हेलो बच्चों, माय नेम इज स्वामी और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं एक नया टॉपिक और उस नए टॉपिक का नाम क्या है, तो उस नए टॉपिक का नाम है रेजोनेंस स्ट्रक्चर। तो आइए स्टार्ट करते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर को बिना टाइम गवाए। बच्चों आज हम सीखने वाले हैं ओजोन के रेजोनेंस स्ट्रक्चर के बारे में। जैसे कि बच्चों आपको पता होगा कि ओजोन के अंदर होते हैं ऑक्सीजन के तीन एटम। आइए सबसे पहले हम बना लेते हैं ऑक्सीजन के तीन एटम और ये बन गए हैं हमारे ऑक्सीजन के तीन एटम। अब बच्चों हमें पता है कि हर ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में होते हैं टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो वो भी हम बना लेते हैं। ये भी हमने यहां पर 6-6 इलेक्ट्रॉन्स बना लिए हैं। तीनों एटम्स मिलके कितने इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, तो वो हो रहे हैं टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। अब हम क्या करते हैं, हम सब इलेक्ट्रॉन्स को निकाल के एक जगह पर रख देते हैं। पहला गया, दूसरा गया, तीसरा भी गया, चौथा भी गया, पांचवा भी गया और छठवा भी गया। अब एक काम करते हैं, इन सभी को एक साथ निकाल के यहां पर साइड में रख देते हैं। रख दिए, बढ़िया हो गया है। अब यहां पर देखो बच्चों, पहले और दूसरे आइटम और दूसरे और तीसरे एटम के बीच में हम क्या करेंगे, तो एक सिंगल बॉन्ड बना लेते हैं। तो आइए यहां पर सिंगल बॉन्ड बना लेते हैं। तो सिंगल बॉन्ड के लिए हमें क्या चाहिए, तो एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए एक एक एटम के पास। तो यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम सिंगल सिंगल बॉन्ड बना लेंगे। ये बन गया सिंगल सिंगल बॉन्ड। तो सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाने के लिए हमारे खर्च हो गए 4 इलेक्ट्रॉन। अब हमारे पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं, तो हमारे पास बच्चे हैं टोटल मिला के 14 इलेक्ट्रॉन्स। अब क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम पहले का ऑक्टेट कंप्लीट कर लेते हैं। अब मुझे बताइए बच्चों, पहले का ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए मुझे कितने इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता है। बिल्कुल सही कहा, मुझे इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है 6। तो 6 इलेक्ट्रॉन रख के मैंने क्या किया है, मैंने इसका ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया है। इस तरह से इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है, राइट। अब चलते हैं दूसरे का ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। दूसरे के पास ऑलरेडी है 4 इलेक्ट्रॉन, दो खुद के दो शेयरिंग के, तो उसे और कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो उसे चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन। तो वो भी यहां से उठा के हम दे देते हैं इसको 4 इलेक्ट्रॉन। अब बच्चों आप देखोगे कि दूसरे का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है ना, इस तरह से ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब प्रॉब्लम क्या आ गई है, तो बच्चों प्रॉब्लम हमारे पास ये आई है कि हमारे पास बचे हैं 4 इलेक्ट्रॉन। अब 4 इलेक्ट्रॉन से तीसरे का तो ऑक्टेट कंप्लीट होने से रहा, फिर भी हम क्या करते हैं, हम 4 इलेक्ट्रॉन को तीसरे के इसमें रख देते हैं। ये रख दिए हमने 4 इलेक्ट्रॉन तीसरे के ऑर्बिटल में। अब भैया जो तीसरा एटम है उसके पास टोटल है 6 इलेक्ट्रॉन, 5 उसके खुद के पास के और एक दूसरे के वाले के शेयरिंग का, तो टोटल इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है। अब इसको चाहिए इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन। क्या करेगा क्या करेगा क्या करेगा, तो वो जाएगा दूसरे वाले के पास, बोलेगा भैया तेरे 2 इलेक्ट्रॉन्स है, वो मेरे को थोड़े से शेयरिंग में दे दे। दूसरा भी मान गया, भैया मेरा तो कोई नुकसान होने वाला है नहीं ना, क्योंकि मेरा तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है, मैंने उसे 2 इलेक्ट्रॉन दे भी दिए तो भी मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो दूसरा वाला क्या करता है, तो दूसरा वाला 2 इलेक्ट्रॉन उसे दे देता है। अब जैसे ही दूसरे वाले एटम ने तीसरे वाले एटम को 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, तीसरे वाले का तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और दूसरे वाले का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, पहले वाले का तो पहले से ही कंप्लीट था, तो इस तरह से तीसरे वाले का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है। अब यहां पर देखो बच्चों, अब दूसरा एटम और तीसरे एटम के बीच में बनता है डबल बॉन्ड इस तरह से। यहां पर बच्चों तीनों के ऑक्टेट कंप्लीट हो चुके हैं, तीनों हंसी खुशी एक जगह पर रह रहे हैं। अब बच्चों गौर से देखोगे तो आपको पहले एटम के साथ क्या नजर आएगा, तो पहले एटम के हिस्से में आए हैं 7 इलेक्ट्रॉन, उसके खुद के आउटर मोस्ट शेल में कितने थे 6 इलेक्ट्रॉन और अब उसके पास आए कितने 7 इलेक्ट्रॉन, आपको दिख रहा है। यहां पर दूसरा एटम देख लेते हैं, दूसरे एटम के हिस्से में आए टोटल 5 इलेक्ट्रॉन, ये कितने 6, आए कितने 5। अब तीसरे को भी देख लेते हैं, तीसरे के पास पहले से 6 थे और अभी भी 6 ही है,
तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके साथ। लेकिन प्रॉब्लम कहां पर हुई? तो प्रॉब्लम पहले और दूसरे वाले के साथ हुई। तो पहले वाले के पास खुद के आउटर मोस्ट शेल में थे 6 इलेक्ट्रॉन, लेकिन अब इसके पास आ गए हैं 7 इलेक्ट्रॉन, यानी 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया। अब यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने की वजह से इसके ऊपर आएगा पार्शियल निगेटिव चार्ज। 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने की वजह से इसके पास क्या आया? पार्शियल निगेटिव चार्ज। उसी तरह से दूसरा एटम देखो आप, दूसरे एटम में क्या हो रहा है? तो दूसरे एटम में इसका 1 इलेक्ट्रॉन कम हो गया। जैसे ही इसका 1 इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो इसके पास कौन सा चार्ज आ गया? तो इसके पास आ गया पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इसको आप -1 और +1 भी बोल सकते हो, राइट? इतना तो आपको समझ में आ गया इनके पास पार्शियल निगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज किस तरह से आते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा पलट देता है, मिरर इमेज बना लेते हैं। तो यहां पर हम इसकी एक मिरर इमेज बना लेंगे। अब यहां पर देखिए बच्चों, दो फिगर है आपके सामने, एक पहली फिगर है, दूसरी फिगर है। पहली फिगर में आपको क्या दिख रहा है? तो पहली फिगर में आपको दिख रहा है पहले एटम और दूसरे एटम के बीच में है सिंगल बॉन्ड, और दूसरे एटम और तीसरे एटम के बीच में है डबल बॉन्ड। दूसरी फिगर में आपको क्या दिख रहा है? पहले एटम और दूसरे एटम के बीच में है डबल बॉन्ड, और दूसरे एटम और तीसरे एटम के बीच में है सिंगल बॉन्ड। तो यहां पर ये जो स्ट्रक्चर चेंज हो रहा, तो यहां पर क्या इससे कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं फर्क पड़ेगा। जो ऐसे जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, इन स्ट्रक्चर को एक स्पेसिफिक नाम है, और वो नाम क्या है? तो वो है कैनोनिकल स्ट्रक्चर। बच्चों हमें एक इंपॉर्टेंट चीज देखनी है, और वो क्या है? जब भी दो इलेक्ट्रॉन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड बनता है, उसके बॉन्ड लेंथ होती है 148 पिकोमीटर। उसी तरह से जब कभी भी दो एटम के बीच में डबल बॉन्ड बनता है तो उसके बॉन्ड लेंथ होती है 121 पिकोमीटर। तो यहां पर भी ऐसा होना चाहिए कि एक साइड में 148 पिकोमीटर और दूसरी साइड में 121 पिकोमीटर, ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन एक्चुअल में यहां पर ऐसा नहीं होता। तो दोनों के बीच में, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के बीच में एक ही बॉन्ड लेंथ बनती है, वो बनती है 128 पिकोमीटर। नेचर इसको इस तरह से एडजस्ट करता है कि सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड दोनों के बीच में बॉन्ड लेंथ बने 128 पिकोमीटर, तो ये इस तरह से बन जाती है। तो अगर आप यहां पर बच्चों दोनों फिगर देखोगे, तो पहले फिगर में पहले एटम और दूसरे एटम के बीच में आ रहा है सिंगल बॉन्ड, और दूसरे फिगर में पहले एटम और दूसरे एटम के बीच में आ रहा है डबल बॉन्ड। अब यहां पर ये अगर इंटरचेंज होते हैं इधर से इधर, उधर से इधर, तो क्या इसको कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां पर अगर आप देखोगे, यहां पर पहले एटम और दूसरे एटम के बीच में बन रहा है सिंगल बॉन्ड, और दूसरे एटम और तीसरे एटम के बीच में बन रहा है डबल बॉन्ड। अब यहां पर क्या होता है, एक्चुअल में ये डबल बॉन्ड है, ये शिफ्ट होते रहता है एक एटम से दूसरे एटम की तरफ, दूसरे एटम से तीसरे एटम की तरफ, जिसके कारण हम इसको इस तरह से डॉटेड लाइन से दिखाते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर है बच्चों, इसी स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं बच्चों? इसी को हम बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। अब यहां पर बच्चों जो एक चीज इंपॉर्टेंट है वो सीखनी है आपको, कि यहां पर है बॉन्ड ऑर्डर। तो यहां पर बॉन्ड ऑर्डर ना तो 1 रहता है ना 2 रहता है। यहां पर ये जो बॉन्ड ऑर्डर होता है इनका, वो होता है 1.5, और इसी स्ट्रक्चर को हम कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। जो आपको समझ में आया होगा कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्यों बनता है, उसके पीछे के रीजंस क्या है, और रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनने के बाद क्या क्या होता है। अच्छा, और एक चीज ये बतानी है बच्चों कि ये जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर होता है ये बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। बच्चों कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।